देखिए हम तो सब लोग यही चाहते हैं, अभी जैसे आज वायरल टॉपिक मतलब वायरल टॉपिक या वायरल भाभी जी का इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो बहुत मैं वैसे लोगों का इंटरव्यू किया हूँ जो बिल्कुल जीरो के बराबर है। मतलब अगर वो किसी चीज से किसी से जानकारी लेने के प्रयास करते हैं तो कोई जानकारी नहीं देता। बहुत मेरे चैनल पर देखेंगे आप, ब्लॉगरों का मैं इंटरव्यू किया हूँ जिनको आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा कि इतनी मेहनत करते हैं लोग, उनको जानकारी नहीं रहती है लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे जानकारी से थोड़ा सा उनको अगर लाभ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो मैं उन लोगों का इंटरव्यू किया हूँ और बहुत सच में उनका इंटरव्यू करते समय मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन हम लोग तो पुरुष हैं, जानते हैं कि पुरुष के आंखों से जो आंसू छलकना बड़ी मुश्किल है, लेकिन अंदर से जो है सब कुछ पिघल जाता है, तो वो चीज़ है। बाकी ऐसे ऐसे ब्लॉगर का इंटरव्यू किया हूँ जो कि इतनी कठिन मेहनत करके यूट्यूब पर काम करते हैं, लोगों का ताना सुन के इतना मेहनत करते हैं, उनका मैंने सपोर्ट किया है, बहुत देखेंगे हमारे चैनल पर। और दूसरी बात कि मुझसे कोई अगर बोल देता है फोन करके, ये तो बीच बीच में क्या आता है कि थोड़ा सा लोगों को हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना भी हेल्प के लिए कुछ वायरल कंटेंट भी पकड़ना पड़ता है कि थोड़ा वायरल पकड़ लेंगे तो वायरल में चल जाएगा, तो जो निचले स्तर के लोगों का मैं जो इंटरव्यू कर रहा हूँ तो उसी सहारे वो भी वीडियो चल जाएगा, तो थोड़ा उनकी भी मदद हो जाएगी। लेकिन कोशिश हमारी नहीं रहती है, एक दो लोगों से मैं बड़े क्रिएटर से मैं सोचता हूँ कि उनका इंटरव्यू करूँ तो वो लोग मिलने के लिए परेशानी होती है, नहीं मिल पाते हैं लोग तो दिक्कत होता है, तो मैं उनसे कोशिश भी नहीं करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये महीने में दो चार बड़े क्रिएटर का इंटरव्यू हो जाए ताकि जो छोटे क्रिएटर का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो उनके इंटरव्यू करने से उनका लाभ मिल जाए, ये चीज़ है। और बाकी मैं 600 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ, और इससे पहले मैं 1000 किलोमीटर बाइक चला के एक इंटरव्यू किया था, वो वीडियो मेरा चला नहीं, मेरा सब कुछ मतलब वो हुआ, लेकिन ऊपर वाले देखते हैं, ऊपर वाले देखते हैं कि कितना मेहनत कर रहे हैं, वो वहां से नहीं पूरा करेंगे तो दूसरे जगह से पूरा कर देते हैं, ये होता है। तो बहुत काफी दूर दूर तक, और ऐसी ऐसी ऐसे मैं स्थिति में इंटरव्यू किया हूँ जाके दो दो दिन तक, मैं क्या बताऊँ उसको, मैं ओपन नहीं करूंगा, दो दिन तक समझिए कि ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे गर्दन पे चाकू रखा गया है, दो दो दिन तक मुझे नींद नहीं आई। अब बहुत लोग होंगे देख रहे होंगे कि ऐसे बात कभी बताए नहीं, तो मैं उसको बताऊंगा भी नहीं, ऐसा लग रहा था कि मेरे गर्दन पे चाकू रखा गया, मुझे दो रात नींद नहीं आई, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, इतनी मतलब बेचैनी थी। लेकिन जैसे ही मैं उस जगह से निकला इंटरव्यू करके, तब मुझे लगा कि हाँ अब सुकून, अब मेरी जान बच गई, ऐसा ऐसा। तो यूट्यूब पे है अभी, जैसे यहाँ पे हम अकेले आ गए हैं, भगवान भरोसे चले आए 600 किलोमीटर, और आप लोग का प्यार मिला तो और अच्छा लगा। तो इस तरह से है, कभी धूप कभी छांव कभी बरसात, ये तो लगा रहेगा, तो संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे मैं आप खुद क्रिएटर हैं, और जितने यूट्यूब क्रिएटर हैं वो जानते हैं कि यूट्यूब पर कितनी मेहनत है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि यूट्यूब पर कितना सम्मान मिलता है, कितना मान सम्मान मिलता है, कितनी पहचान मिलता है। हम आपके यहाँ आए तो क्यों, यूट्यूब के सहारे आए हैं, आपसे हमारी मुलाकात हुई तो यूट्यूब के सहारे, तो ये है कि यूट्यूब की पहचान होती है, यूट्यूब से लोगों की पहचान होती है, तो तभी जाके मिलते हैं, है ना। और चाचा जी के यहाँ भी हम आए हैं तो उनको हम यूट्यूब से देखे तभी उनके यहाँ हम आए, नहीं तो नहीं हम जान पाते कि चाचा जी हैं, है ना। तो इस तरह से है, सब लोग यूट्यूब फैमिली है और यूट्यूब फैमिली में लोग एक दूसरे का सहयोग। तो भाई अगर वायरल भाभी का यूट्यूब इंटरव्यू देखना है, इनके चैनल पे भी देख सकते हैं, MSN न्यूज पे देख सकते हैं, भैया के चैनल पे भी देख सकते हैं, उनके बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, जिस तरीके से वो वायरल हुआ था वीडियो। तारा बस जाके ना सिखबा, तेवारा ही ढूंढी ना सिखबा।